देखिए ऑटो में अगर आप देखें तो दो तीन फैक्टर्स हैं। एक तो आपके प्राइस जो कमोडिटी प्राइसेस है काफ़ी स्टेबल है, जिसकी वजह से मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। डिमांड जो है वो अक्रॉस टू व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल्स स्ट्रॉन्ग है। सीवीज में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, और एक ही जो सेगमेंट है वो है ट्रैक्टर्स का, जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर हमने पिछले 2 सालों में देखा है। बट वहीं इस साल जो एक अबव नॉर्मल मॉनसून का प्रेडिक्शन है IMD से, स्काईमेट से, तो ओवरऑल हमें लगता है कि रूरल थीम जो है, एग्री रिलेटेड एंड रूरल थीम, ये इस साल का एक रिकवरी प्ले होगा, जिसमें आप ट्रैक्टर्स और कंज्यूमर और FMCG कंपनीज यहाँ पे थोड़े बहुत एक रिकवरी प्ले देख सकते हैं। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात करें तो हमें लगता है कि टू व्हीलर एक स्पेस है जहाँ पे ऑलरेडी डिमांड स्ट्रॉन्ग है, रूरल रिकवरी का भी बेनिफिट मिलेगा। और उसी स्पेस में हीरो मोटो कॉर्प एक स्टॉक है जिसका वैल्यूएशन अमॉन्ग इट्स पियर्स अगर आप बाकी सब टू व्हीलर्स के साथ कंपेयर करें तो बहुत ही हमें लगता है कि कंफर्टेबल है, डिस्काउंट पे चल रहा है बाकी बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स, TVS के साथ। तो टू व्हीलर्स में हमारा प्रिफर्ड पिक है हीरो मोटोकॉर्प, एंड हमारा टारगेट जो है वो 1 ईयर का टारगेट 5,400 का है, ऑलमोस्ट 25-30% अपसाइड देता है करंट लेवल से। तो वो हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा इन दी ओवरऑल ऑटो स्पेस। जी, लेकिन यहाँ हम चार्ट पे देख रहे हैं कि मतलब हीरो मोटोकॉर्प भी ठीक है, बीच में जो लगभग 5,000 पे पहुंच गया था वहां से थोड़ा एक करेक्शन इसने भी दिया, जैसे हमने निफ्टी में करेक्शन देखा 1,000 पॉइंट का, यहाँ तो परसेंटेज में काफी ज्यादा हो जाएगा। तो हीरो मोटोकॉर्प ने एक करेक्शन दिया, और उसकी तुलना में अगर आप बजाज को देखें तो वो एक तरफा ढंग से बिना किसी मीनिंगफुल करेक्शन के चलता रहा है। तो क्या ये एक वजह है कि इस समय हीरो आपको ज्यादा पसंद है? जी बिल्कुल, जो आपने पॉइंट बोला था कि वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ऑटो सेक्टर काफ़ी चल चुके हैं। अगर आप TVS मोटर्स देखें, आप आयशर मोटर्स देखें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। तो एक सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ आ रहा है, अब हम उनमें से एक प्रेफरेंस है कि थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट हो, डाउनसाइड प्रोटेक्टेड हो, बिकॉज मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। तो एंड अगर आप देखें तो मोस्टली हीरो मोटो एक डोमेस्टिक प्ले है। अगर आप बजाज ऑटो देखें तो उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड हैं, और ग्लोबल मार्केट्स में जो देख रहे हैं कि बहुत थोड़ी टर्बुलेंस चल रही है, जिसको लेकर भी अगर नंबर्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक प्योर प्ले डोमेस्टिक थीम और प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट, ये दोनों को लेकर हमें हीरो मोटो काफ़ी पसंद है। जी, तो अभी हीरो मोटोकॉर्प पसंद है टू व्हीलर्स में,